हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, तो अभी मैं करने जा रही हूँ कन्नू लाले का चंदन का श्रृंगार। तो ये देखिए, हमारे लाला ने चंदन लगा लिया है और चंदन सूख चुका है, तो अब मैं करूँगी इसके ऊपर लाला का श्रृंगार। तो चलिए श्रृंगार शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आँखों के आउटलाइन हैं, इनको क्लियर करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये लाइनर ले लिया है, तो इसी से मैं शेप दूंगी। बहुत ही अच्छी और क्लीन शेप आएगी, क्योंकि चंदन जब लगाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत फैल जाता है, तो उसी को क्लीन करने के लिए इस तरह से हम लाइनर वगैरह लगा के और अच्छे से आंखों को शेप देंगे लाला की। ये देखिए, हमारे मैं लगा रही हूँ लाइनर। तो आईब्रो पे लाइनर लगा देंगे और जो आंखों के नीचे का काजल है उसको भी मैं इसी लाइनर से ही करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर लाला को मैंने लाइनर लगा दिया है, अच्छे से सूख गया है। और अब मैं तिलक बना रही हूँ। तो जो हम लाला को लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, आप उसी से तिलक बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था लिपस्टिक और उसी से मैं ये एक पतली सी मैंने डंडी ले ली है और उसी की हेल्प से इस तरह से तिलक बनाऊंगी। तो आप इस तरह से भी जो लाला का टीका है वो बना सकते हो। आप रोली से बना सकते हो, अगर आपके पास रोली है तो उससे बना सकते हो, या जो लाला को हम जब श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हो। और देखिए, इस तरह से चंदन के ऊपर बहुत ही बारीक बारीक सी लाइन करके बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रेशर से बनाएंगे तो वहाँ का चंदन हट जाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली होके ये टीका लाला का बनाना होता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो ये मैंने बना दिया है कन्नू लाले का तिलक। और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे नीचे से, तो ये लाला का तिलक बन गया है। और इसको अच्छे से सुखा लेंगे, इसके बाद ही बाकी का मेकअप करेंगे, क्योंकि जो लाइनर है और तिलक है, जब ये चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी तो ये फैलेंगी नहीं, तो उसके ऊपर श्रृंगार करने में बहुत आसानी होती है। तो अभी मैंने लाला का तिलक बना दिया है।
और अब लाला के ओठों पे भी लगाऊंगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना रेड कलर की लिपस्टिक ली हुई है और उसी से ओठों पे लगाऊंगी। तो कुछ ये डार्क रेड है तो मेहरून सा शेप इसका आ रहा है, बट है ये रेड कलर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लाला को रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो देखिए लगा ली है मैंने लिपस्टिक और अब करेंगे श्रृंगार। ठीक है जी, तो जो मैंने तिलक लगाया है और जो भी लिपस्टिक वगैरह लगाई है 2-3 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए और सेट हो जाए, और फिर इसके बाद में श्रृंगार करेंगे लाला का। चलिए यहाँ पर अच्छे से सूख गया है और अब मैं श्रृंगार शुरू कर रही हूँ। तो ये मैंने लॉन्ग वाला गले में लॉन्ग हार पहनाया है रेड और वाइट जरकन का। ऐसा ही मैंने लड्डू लाला को भी पहनाया था, दोनों लाला का सेम श्रृंगार किया था मैंने अक्षय तृतीया पे। तो ये जो वीडियो है ये अक्षय तृतीया के श्रृंगार की वीडियो है लाला की, और इसी लॉन्ग सेट के साथ में मैंने ये चौकर सेट पहना दिया है गले में। ये मल्टी कलर का है तो देखिए कितना अच्छे से मैच कर रहा है इस लॉन्ग वाले सेट के साथ में, और बहुत ही प्यारा सा इसका अच्छा सा लुक आ रहा है। तो ये लाला को मैंने गले में चौकर सेट और लॉन्ग वाला सेट पहना दिया है। और कानों में जो पल्स हैं मेरे पास उसी के टॉप्स मैंने पहनाए हैं, क्योंकि मैंने लड्डू लाला को भी सेम ऐसे ही टॉप्स पहनाए थे तो इसलिए मैंने काना को भी पल्स के ही टॉप्स पहनाए हैं। और काना मेरा थोड़ा सा नटखट है, श्रृंगार करवाने में बहुत नखड़े लेता है, तो ये लाला ने हमारे कानों के टॉप्स भी पहन लिए हैं। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरे तो ही लग जाएगी, नजरे तो ही लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरे तो ही लग जाएगी, नजरे तो हे लग जाएगी। तो ये मैंने लाला को बाल लगा दिए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और बालों के ऊपर इस तरह से माला लगा के मैं कुछ इस तरह से हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ कन्नू लाला की भी। तो ये देखिए कितनी आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बालों को आप अच्छे से सेट करिए और उसके बाद में माला जो भी हम लड्डू गोपाल जी को माला पहनाते हैं ना वही वाली माला आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने माला लगा दी है और उसके ऊपर ये वाली कलंगी अटैच करूँगी। तो अभी मोती की माला और कलंगी से ही लाला की हेयर स्टाइल वगैरह सेट होगी, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, नज़र न लगे हमारे कन्नू लाले को। तो ये हमारे लाला का देखिए कितना मनोहर रूप है और कितना प्यारा सा श्रृंगार करवाया है हमारे कन्हैया ने। तो आप भी इस तरह से घर में बाल गोपाल जी का चंदन यात्रा के दौरान श्रृंगार कर सकते हो, चंदन का श्रृंगार। और अभी देखिए लाला का कितना प्यारा सा
सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। और सिंपल देखिए, बालों में कुछ भी पगड़ी नहीं लगी है कोई, और कोई हैवी मुकुट वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल माला के साथ श्रृंगार किया है। और हाथों में मैंने ये जरकन वाले कड़े पहना दिए हैं लाला को। तो जो ये मैंने श्रृंगार किया है, आप सब मुझे ना कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये जो लाला का श्रृंगार है ये आप सबको कैसा लगा है। और एक बार आप ये वाली हेयर स्टाइल ज़रूर बनाना लाला की, तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये हमारे कन्नू लाला का आज का श्रृंगार हो चुका है और लाला ने हमारे मुरली भी ले ली है। तो एक बार लाला के श्रृंगार दर्शन तो बनते हैं, तो चलिए एक बार लाला के पास से मैं आप सभी को श्रृंगार दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए लॉन्ग वाले सेट के साथ में ये चौकर सेट पहनाया है मल्टी कलर का, कानों में पल्स के मोती हैं, सिर पे पगड़ी नहीं लाला ने लगाई है, सिर्फ कलंगी के साथ में लाला का श्रृंगार मैंने किया है। तो ये हमारे बाल गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है अक्षय तृतीया का। आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर से बताना, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।